हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा पैशन। तो आज मैं आप सबके साथ मेरी पर्सनल फेवरेट बंगाली स्टाइल चिकन कड़ी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें रहेगा आलू। और हम बंगाली को चिकन में चिकन से ज़्यादा अच्छा आलू लगता है। मेरी प्रोसीड्योर फॉलो करके एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, रोटी पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करके ऑल कर देना। तो इधर मैं 500 ग्राम चिकन ले लिया हूँ और इसमें डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच विनीगर। विनीगर डाल के हमें इसे मैरिनेट करके रखना है। इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं डालूंगी, सिर्फ विनीगर डाल के एक घंटा के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो इधर मैं आलू ले लिया हूँ और ये पारबॉइल्ड आलू है। आलू को मैं पहले ही प्रेशर कुकर में एक सीटी डाल के प्रेशर कुक कर ली थी। तो पारबॉइल्ड आलू को मैं नमक, हल्दी और इसके साथ थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। तो फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई में है और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इस रेसिपी में आलू डाला जाता है, इससे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, मेरे चैनल में चिकन की और भी कई तरह की रेसिपी है, आप ज़रूर चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो इधर आलू फ्राई हो चुका है, सेम ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल दूंगी और मैं पूरा कुकिंग सरसों का तेल में ही करूंगी। आलू फ्राई करने के बाद जो ऑयल था उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हूँ, उसमें जीरा डाल दिया हूँ। जीरा फ्राई हो जाने के बाद उसमें मैं एक चम्मच जैसा चॉप्ड लहसुन डाल दिया हूँ और लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए हमें फ्राई कर लेना है। लहसुन को थोड़ा फ्राई कर लेने के बाद मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन डाल दिया हूँ और ऑनियन को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ऑनियन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ा सा ऑनियन को मैं घिस लिया हूँ और ये घिसा हुआ ऑनियन से मैं जो जूस है ये निकाल दूंगी और जूस निकाल के सिर्फ जो ऑनियन है ये ऑनियन डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा ऑनियन को घिस लिया हूँ और जो ऑनियन जूस है ये मैं बाद में यूज़ करूँगी मसाला भूनने के टाइम। तो ये जूस आपको फेंकना नहीं है, ये कुकिंग में बाद में यूज़ करूँगी। तो ये ऑनियन को हमें अभी अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम में है। तो गाइस, इस तरीके से आप एक बार चिकन करी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे फैमिली में ये चिकन करी सबको बहुत पसंद है, स्पेशली ये आलू डाल के बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। और मेरे चैनल में ऐसे कई तरह की चिकन की रेसिपी है, चिकन का स्टार्टर्स है, मेन कोर्स है, मैं उन सब का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो इसके अंदर मैं एक बड़ा चम्मच डाल दिया हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी। तब तक इसे भूनना है जब तक ना अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाता है। तो फिर इसके बाद मैं मसाला डाल दूंगी, मैं हल्दी पाउडर डाल दिया हूँ, जीरा धनिया पाउडर डाल दिया हूँ, मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया हूँ कलर के लिए और ये जो ऑनियन जूस था तो ये प्याज का रस थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें मसाला को अच्छे से भून लेना है। तो फ्लेम मेरा लो टू मीडियम में है। तो थोड़ा थोड़ा करके प्याज का जो रस है ये डाल के मैं मसाला को अच्छे से भून लूँगी। मसाला को थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं इसके अंदर ये चिकन डाल दूंगी, जिसे मैं विनीगर डाल के मैरिनेट करके रखी थी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आध घंटा के लिए आपको हाफ एन आवर के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखना है। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल के इसे हमें हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। तो इस वक्त आपको फ्लेम को मीडियम टू हाई में कर देना है और हाई फ्लेम में आपको बहुत अच्छे से चिकन को टाइम लेके, थोड़ा सा पेशेंस लेके भूनना है। जितना आप चिकन को भूनोगे ये खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन करी मसाला। तो मैं यहाँ पे सनराइज का चिकन करी मसाला यूज़ किया हूँ, आप कोई भी कंपनी का चिकन करी मसाला यूज़ कर सकते हो, ये डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जैसा चिकन करी मसाला डाली हूँ। फिर मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के मैं इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूंगी। तो इस रेसिपी में मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। फिर मैं डाल दूंगी इसमें दही।
तो मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच दही ले लिया हूँ और इसे अच्छे से फेंट के डाल दूंगी इसमें। और दही डालने से पहले फ्लेम को आपको एकदम लो में कर देना है ताकि दही फट ना जाए। तो दही को मैं अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लूंगी और दही डालने से चिकन का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, तो मैं इसमें दही डालती हूँ। और फ्लेम अभी मेरा लो में है तो मैं अच्छे से चिकन को भून लूँगी। आप देख सकते हो कलर कितना बढ़िया आया है दही डालने के बाद। फिर मैं फ्राई किया हुआ जो आलू था इसे भी डाल दूँगी और चिकन मसाले के साथ आलू को भी अच्छे से भून लूँगी। तो अच्छे से हमको चिकन को भूनना है, तो मैं ढक ढक के पकाऊँगी। तो मैं ढक के तब तक पकाऊंगी जब तक ना चिकन प्रॉपरली कुक हो जाता है। और इस रेसिपी में मैं एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आप देख सकते हो चिकन ही पानी छोड़ेगा तो उस पानी से ये पूरा कुकिंग होगा। अगर बहुत मसाला जल जाता है, तले में लग जाता है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। इसे ऐसे ही हमें ढक ढक के पकाना है। आप देख सकते हो चिकन अभी भी थोड़ा सा हार्ड है मुझे लगता है, तो इसे और भी हमें कुक करना है। तो बस हमें ढक ढक के इसे पकाना है। ये रेसिपी आप मेरे प्रोसीड्यूर फॉलो करके एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और पानी इसमें बिल्कुल भी मत डालना। तो मैं इसे फिर से ढक दूंगी क्योंकि चिकन प्रॉपरली कुक नहीं हुआ था। तो फिर मैं ढक्कन हटा दूंगी और लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है और अभी चिकन प्रॉपरली कुक हो चुका है। तो मैं लास्ट में इसमें डाल दूंगी गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और उसके साथ ही 1 चम्मच घी। घी डालने से ये रेसिपी में ये टेस्ट बहुत इन्हांस करता है। और इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है घी। लास्ट में घी और गरम मसाला ज़रूर डालना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं इसे ऐसे ही ड्राई रखूंगी क्योंकि ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगी। और चिकन भी प्रॉपरली कुक हो चुका है और हमारा बंगाली स्टाइल चिकन करी बन के एकदम तैयार है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हो मेरा माउथ वाटरिंग एंड टेस्टी बंगाली स्टाइल चिकन करी बन के एकदम तैयार है। मेरे प्रोसीड्यूर फॉलो करके आप एक बार ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ ले सकते हो या फिर रोटी पराठे के साथ भी ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है, फटाफट बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगा आपसे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।